कंपटीशन के शूरवीर हैं आप या दिमाग लड़ाने का शौक है तो मिलिए रोज रात 9 बजे ललन टॉप ऐप पर। खेलेंगे क्विज और हर दिन एक अलहदा विषय होगा। सिर्फ आपका शगल पूरा नहीं होगा, आपको इनाम भी मिलेगा, वो भी मौके पर। तो नोट कर लीजिए, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं ललन टॉप ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए ललन टॉप क्विज। चलिए अब आज के एपिसोड पर चलते हैं। तारीख के साल 1935 के आसपास की बात है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनातनी दिन पर दिन बढ़ रही थी। जिन्ना 4 साल लंदन में निर्वास में बिताने के बाद दोबारा भारत आ गए थे, वहीं ये ही वो साल भी था जब डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान किया। शंकर घोष लिखते हैं कि गांधी जो पहले ही हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ते तनाव को लेकर परेशान थे, उन पर आम्बेडकर की घोषणा का गहरा असर हुआ। गांधी ने इस दौरान जाति, अंतरजाति, विवाह समेत कई पक्षों पर लेख लिखे और अपने विचारों को गाढ़ा भी किया। फिर उसी साल गांधी को एक और खबर मिली जिसने धर्म को लेकर उनके विचारों में खलबली पैदा की। दिल्ली में कुछ साल पहले पैदा हुई एक लड़की बता रही थी कि उसने पुनर्जन्म लिया है और उसकी बातें इतनी पुख्ता थीं कि कई लोग इस पर विश्वास किए बिना रह नहीं पा रहे थे। गांधी इस खबर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले तो खुद शांति से मुलाकात की और फिर एक 15 सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया जो इस पूरे मामले की छानबीन कर सके। अंत में गांधी को जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर उन्होंने माना कि सच में ये पुनर्जन्म का केस था। गांधी का नाम जुड़ने के कारण ये केस पूरे भारत में फेमस हो गया और देश विदेश से पुनर्जन्म पर अनुसंधान करने वाले रिसर्चर इस केस की छानबीन करने के लिए भारत आए, जिनमें से कईयों ने इसे पूरी तरह सच भी मान लिया था। तो आज हम जानेंगे कि पुनर्जन्म होता क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, शांति देवी पुनर्जन्म केस क्या था, शांति देवी के पुनर्जन्म के समर्थन में क्या दावे किए गए और साथ ही जानेंगे कि आधुनिक विज्ञान का पुनर्जन्म पर क्या मत है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं शांति देवी केस से ही। 18 जनवरी 1902 की बात है। चतुर्भुज नाम के मथुरा के एक निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, नाम पड़ गया लुगदी। 10 साल की उम्र में लुगदी का ब्याह केदारनाथ चौबे के साथ हुआ। केदारनाथ मथुरा में कपड़े की दुकान चलाते थे और ये उनकी दूसरी शादी थी। लुगदी जल्द ही प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अगली बार लुगदी माँ बनी 1925 में, इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान तो बच गई लेकिन लुगदी नहीं बच पाई। तारीख थी 4 अक्टूबर और समय था 10 बजे। इसके ठीक 10 महीने 7 दिन बाद दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई। बाबू रंग बहादुर ने प्यार से उसका नाम रखा शांति। शांति भी बाकी बच्चों जैसी ही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। जैसे ही बोलना शुरू किया वो कुछ अजीब बातें करने लगी। मसलन बॉक्सर पूछती थी कि उसका पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पति मथुरा में कपड़े की दुकान चलाता है। शुरुआत में रंग बहादुर ने बच्ची के मन का फितूर समझकर इसे जाने दिया, लेकिन जैसे जैसे शांति बड़ी होती गई वो मथुरा की और ज़्यादा बातें करने लगी। 6 साल की उम्र में उसने बताया कि उसकी मौत ऑपरेशन के बाद हुई थी। परिवार ने परेशान होकर डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। शांति जब 9 साल की हुई उसने अपने पिता से मथुरा जाने की इच्छा जाहिर की। हालांकि अब तक उसने कभी ये नहीं कहा था कि उसके पति का नाम क्या है, वो खुद को बस चौबेन कहकर बुलाती थी। एक रोज़ रंग बहादुर के एक रिश्तेदार बाबू बिशन चंद उनके घर आए। बिशन चंद दरियागंज स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने शांति से कहा कि वो उसे मथुरा ले जाएंगे अगर वो अपने पति का नाम बता दे। शांति ने बिशन चंद के कान में कहा, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशन चंद ये सुनकर पहले तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज खबर लेते हैं और फिर उन्होंने एक खत लिखते हैं जिसमें उन्होंने शांति की बताई तमाम बातों का भी उल्लेख किया। केदारनाथ ने खत पढ़ा और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल जो दिल्ली में रहते थे उनसे शांति से मिलने को कहा। कांजीमल शांति से मिले, उसने न सिर्फ उन्हें पहचान लिया बल्कि केदारनाथ के मथुरा वाले घर की कुछ डिटेल्स भी बता दी। उसने घर के एक कोने के बारे में भी बताया जहां उसने पिछले जन्म में कुछ रुपए छुपाए थे। कांजीमल ने ये सारी बातें तुरंत केदारनाथ को पहुंचाई। कौतूहलवश केदारनाथ भी शांति से मिलने पहुंचे, लेकिन इस दौरान कांजीमल ने केदारनाथ का ये कहते हुए परिचय करवाया कि ये केदारनाथ के भाई हैं, लेकिन शांति तुरंत केदारनाथ को पहचान गई। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से कई सवाल पूछे। शांति ने बताया कि मथुरा के उनके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। साथ ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को ये कहते हुए गले भी लगा लिया कि ये उसका बेटा है।
दिल्ली में रहते हुए केदारनाथ ने एक रात शांति से अकेले में बात की, जिसके बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शांति ही लुकती है। जल्दी ये बात पूरे देश में फैल गई और महात्मा गांधी के कानों तक पहुंची, जैसा हमने आपको पहले बताया। महात्मा गांधी ने इस केस की पड़ताल के लिए 15 लोगों का एक कमीशन बनाया था। ये कमीशन शांति को लेकर मथुरा गया, जहां न केवल शांति ने केदारनाथ के परिवार को पहचान लिया, बल्कि घर के बारे में बहुत सी बातें बताई। मसलन उसने घर की वो जगह दिखाई जहां वो पैसे छुपाया करती थी। इसके बाद शांति को लुगदी देवी के घर और मथुरा की तमाम जगहें ले जाया गया, जिसके बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट छापी। कमीशन की इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में काफ़ी हल्ला मचा। शांति देवी से मिलने कई विदेशी रिसर्चर आए और कई किताबें भी छपी। एक रिसर्चर बालचंद्र नहाता ने शांति देवी पर एक हिंदी पत्रिका छापी, पुनर्जन्म की पर्यालोचना, जिसका निष्कर्ष देते हुए वो लिखते हैं, शांति देवी पर जितना भी मटेरियल मौजूद है उससे ये कतई साबित नहीं होता कि पुनर्जन्म की बात सच है। श्री अरबिंदो के शिष्य इंद्रलाल ने तब इसके जवाब में अपना लेख लिखा। इसी तरह 1952 और 1986 में शांति देवी की कहानियां सुर्खी में आई, जब अमेरिकी रिसर्चर इयान स्टीवेंसन और डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया। इयान स्टीवेंसन पुनर्जन्म के मामलों पर सालों से शोध कर रहे थे और इस मामले में उनकी एक किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइनकार्नेशन काफ़ी फेमस भी हुई थी। शांति देवी ने जिंदगी भर शादी नहीं की और 61 साल की उम्र में 27 दिसंबर को उनका निधन हुआ। स्टीवेंसन सहित पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले तमाम लोग मानते हैं कि शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म का सबसे प्रामाणिक केस है। तार्किक रूप से कुछ चीज़ें गौर करने लायक हैं। इस बात में कतई शक नहीं कि शांति देवी की बताई गई बातें इस ओर इशारा करती थी कि वो लुगदी देवी के जीवन के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें इस केस में ध्यान में लिया जाना चाहिए। शांति देवी का इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत लिखते हैं कि इस केस को इतनी पब्लिसिटी मिल चुकी थी कि इस बात का पता करना मुश्किल है कि कौन सी बातें शांति देवी की अपनी हैं और कौन सी उन्होंने दूसरों से सुनी हैं। वहीं एक बात जो शांति देवी की मृत्यु के बाद बाहर आई, शांति जब छोटी थी केदारनाथ काम के सिलसिले में दिल्ली जाते थे और जिन दुकानों में वो जाते थे वो शांति के घर के सामने पड़ती थी, जिसका जिक्र स्टीवेंसन ने भी अपनी रिसर्च में किया ही है। इसलिए स्टीवेंसन लिखते हैं कि ये बातें गारंटी से नहीं कही जा सकती कि ये पुनर्जन्म को साबित करती है कहानी, लेकिन शांति देवी की 24 बातें ऐसी हैं जो पुनर्जन्म की ओर इशारा करती हैं। इस केस के बारे में जानने के बाद अब थोड़ा पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को अब समझते हैं। अकेडमिक्स की दुनिया में पुनर्जन्म जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे मेटाफिजिक्स या तत्वमीमांसा कहते हैं। दार्शनिकों की माने तो पुनर्जन्म का विचार एक बहुत पुराने सवाल के रूप में उपजा। सवाल ये कि मृत्यु के बाद होता क्या है? यूं तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन फिर इस उत्तर से और कई सवाल उपजते हैं। मसलन ये कैसे तय होता है कि आप कहाँ पैदा हुए? कैसे तय होता है कि एक आदमी अमीर घर में पैदा होगा एक गरीब घर में? एक अगड़ी समझे जाने वाली जाति में पैदा होगा तो दूसरा पिछड़ी समझे जाने वाली जाति में? इस सवाल के जवाब में अलग अलग परंपराओं से अलग अलग जवाब मिलते हैं। मसलन भारत में शुरू हुए धर्म सनातन धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मान्यता है कि मनुष्य मरता है और दोबारा पैदा होता है और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आपको अगला जन्म कैसे मिलेगा। हालांकि इनमें भी आपस में मतभेद हैं। जैसे बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की तो मानता है बात, लेकिन आत्मा को नहीं मानता। वो बौद्ध धर्म के अनुसार चेतना की धारा बार बार जन्म लेती है, लेकिन कोई भी एक धारा दोबारा नहीं जन्मती। इसके बरक्स अब्राहमिक परंपराओं में शुरू हुए जो धर्म है, यानी इस्लाम है, ईसाई धर्म है और यहूदी धर्म, ये पुनर्जन्म में नहीं मानते। इन धर्मों के अनुसार आदमी एक ही बार जीता है और मरने के बाद या तो स्वर्ग या तो नरक में वो जाता है। हालांकि इनमें भी छोटे छोटे सेक्ट हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दर्शन की बात अगर आप करेंगे तो पश्चिम के कई दार्शनिक पुनर्जन्म में विश्वास रखते दिखाई देते हैं। मसलन एलेगोरी ऑफ केव में प्लेटो पुनर्जन्म की अवधारणा रखते हैं। वहीं प्लेटो की किताब में सुकरात भी एक जगह पुनर्जन्म में विश्वास जताते हैं। इसके अलावा भी कई आदिवासी समूहों में मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का सवाल मूलतः कारण और प्रभाव के सिद्धांत से निकलता है। क्योंकि दुनियावी मामलों में हमें दिखाई देता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है और हर कारण का कोई ना कोई प्रभाव होता है, इसलिए सामान्य बुद्धि में यह सवाल जाहिर मालूम पड़ता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और ये कैसे तय होता है कि आदमी कहाँ और किस रूप में जन्म ले। कुछ धर्मों में इसका जवाब ये भी दिया गया है कि आपके कर्म इसका निर्धारण करते हैं कि आप कैसे जन्म लेंगे अगली बार। इसी विचार से पुनर्जन्म की अवधारणा निकली। अब सवाल पूछा जाए कि इसका
प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, तो उत्तर होगा कि इन अवधारणाओं का कोई सही सही प्रमाण नहीं है, हो भी नहीं सकता। विज्ञान में ऐसी मान्यताओं और अवधारणाओं को नाम दिया गया है अनफॉल्सिएबल हाइपोथेसिस, यानी ऐसी परिकल्पनाएं जिन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता। हालांकि कई दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से इस पर अपने मत रखे हैं, विचार रखे हैं। मसलन लामोन कोलिस अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ इमोर्टैलिटी में तर्क देते हैं, अगर मनुष्य के दिमाग में चोट भर लग जाने से कई बार वो अपनी पहचान भूल जाता है, लोगों को नहीं पहचान पाता, फिर ये किस तरह संभव है कि मृत्यु के वक्त मनुष्य का पूरा दिमाग नष्ट हो जाए और उसे फिर भी अपनी पहचान याद रहे। वैज्ञानिक परीक्षण से परे होने के बावजूद काफ़ी रिसर्चर्स पुनर्जन्म पर शोध करते हैं और खासकर साइकोलॉजी के क्षेत्र में इसका काफ़ी महत्व भी है, क्योंकि ऐसे केसेस वैज्ञानिकों को मानव दिमाग पर शोध करने का एक मौका प्रदान करते हैं। पुनर्जन्म के फिनोमेना को समझने के लिए हमने डॉक्टर रकीब अली से बात की। डॉक्टर अली 11 साल से क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। साइकोलॉजी ने इंटरेस्टिंगली ये जो धारणा है इसको एक तरह से रिजेक्ट नहीं किया है और कई माध्यम के तौर पर इसको समझने की कोशिश की जा रही है और इसमें काफी तरह के पर्सपेक्टिव या दर्शन है इसमें। और बहुत इंटरेस्टिंग एक एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसे पैरा साइकोलॉजी भी कहा जाता है, जो कि इस तरह के स्पूकी फिनोमेना को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करती है। अगर मैं ये बोलूं कि साइकोलॉजी का प्रेजेंटली क्या स्टेटस है, तो ये डेफिनेटली एक एस्टैब्लिश्ड स्टेटस नहीं है इसका और अभी भी बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारी धारणाएं जो है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही। सो साइकोलॉजी में कई ऐसी रिसर्चेस हो रही हैं, कई ऐसे पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं जो कि इसे समझने में थोड़ी हमें आसानी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे निक बॉस्टम ने एक पेपर लिखा कि हम पुनर्जन्म के बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो एहसास है, अगर हम उसको देखें तो क्या वो बिना बॉडी के भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिना किसी यू नो कॉन्क्रीट बॉडी के क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो पुनर्जन्म को डायरेक्टली तो साइकोलॉजी नहीं समझा सकती, लेकिन कई थ्योरीज हैं, जैसे सिमुलेशन थ्योरी है जो कि निक बॉन्स्टम ने बोला कि कहीं हम ऐसे एक ब्रह्मांड में तो नहीं रह रहे हैं जिसमें कि हम खुद एक सिमुलेशन का पार्ट है, जहां पर कि हम असली में जो भी रियलिटी हो रही है उसको महसूस ना करके किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का पार्ट है। इस बात के भी काफी संभावनाएं हैं। अगर अगर ऐसा है तो पुनर्जन्म जैसे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक तरह से हम देखेंगे कि इट इज अ बग इन द सिस्टम। सो समबडी सडनली हैविंग दिस यू नो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा किसी को एहसास हो रहा है एकदम से कि ये पहले भी हो चुका है या फिर उसको डिटेल भी याद है कि मेरा ऐसा हुआ था और मैं ऐसे कैरेक्टर्स को मैं जानता हूं, तो ये एक तरह से बग इन द सिस्टम उस सिमुलेशन थ्योरी में हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी संभावनाएं जो साइकोलॉजी जताती है इस बारे में, क्योंकि अगर आप माने तो ऐसे क्लेम्स हजारों लाखों में है, लेकिन ऐसे बहुत कम इंसिडेंसेस हैं जिसमें कि हम बोलेंगे कि 0.2% या 0.3% जिसमें कि कुछ सबूत मैच करते हुए नजर आए। सो जो बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा जो लोगों का एक एक्सपीरियंसेस है, उनमें कई साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है साइकोपैथोलॉजी का, यानी कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी हैं जैसे कि हम डेल्यूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट को एक ऐसा बिलीफ डेवलप होता है और वो उस बिलीफ पे टिका रहता है इस बात के बावजूद कि जो वो क्लेम कर रहा है उसमें 100 चीजें मैच नहीं कर रही है, सिर्फ एक चीज मैच कर रही है। तो वो एक चीज के मैच करने के विश्वास पे जो है पूरा अपना एक कहानी को गढ़ने लगता है और इस बात पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। तीसरा जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जिसे बोलते हैं कि फेनिंग, यानी कि कुछ लोग ऐसे सिम्टम्स को, ऐसी एहसासों को, अनुभवों को जानबूझ के फेन कर सकते हैं, उन्हें एक तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि उनके खुद के कुछ पर्सनल गेन है उस चीज को कहने से। सो हम लोगों को बहुत इसमें एग्नोस्टिक रहना पड़ेगा अभी, लेकिन क्लियरली इस संभावना को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। साइकोलॉजी अभी इस स्टेज पे नहीं पहुंची है कि ये कह सके कि ऐसा जो कहते हैं लोग वो बिल्कुल झूठ है या ऐसा कोई विश्वास जो है वो सब गलत है। और मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको साइकोलॉजी स्टडी और आगे कर सकती है। बच्चों में जैसे आपने शांति देवी का जो केस सुना था उसमें भी उन्होंने जब वो मात्र 3 साल की थी तब से उन्होंने इस तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलना शुरू कर दिया था।
बच्चे बहुत इमेजिनेटिव होते हैं पहली चीज तो, और वो ऐसा हमें दिखेगा कि हम जो इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं वो वही ग्रहण कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, वो बड़े एक्टिव प्रोसेसर्स हैं इंफॉर्मेशन के। तो बच्चे जब इमेजिनेशन को और रियल के एक्सपीरियंसेस को आपस में जोड़कर जो एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कई बार वो क्लेम करते हैं, और अगर हमारा जो सांस्कृतिक प्रभाव है या हमारा धार्मिक जो दर्शन है या फिर हमारा कुछ पर्सनल ऐसा स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट है जो उसको मानने के लिए हमें हम प्रिपेयर्ड हैं, तो बच्चों की बातें लोग जो है मानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि हम कई ऐसे छोटे बच्चों गुरुओं को जानते हैं जो कि कई बड़े बड़े क्लेम करते हैं और लोग बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन जब असल में आप देखेंगे उनके क्लेम्स को तो वो वेरिफिएबल नहीं होते हैं। सो हम बच्चों की जो इमेजिनेशन की कैपेसिटी है उसके लिए इसको जिम्मेदार मान सकते हैं। एंड यस, इसी के बीच में कुछ ऐसा परसेंटेज है जो कि अभी तक साइंस समझ नहीं पाया, स्पूकी फिनोमिना बोल सकते हैं उसको। डॉक्टर रकीब की बात के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, इसके साथ आपसे लेते हैं विदा। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉक।